नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। तनहू में बस आ मोटरसाइकिल ठोकर से तीन गोटे के मृत्यु। बीमार लकर चलल एम्बुलेंस दुर्घटना में पैर बीमार सहित चार गोटे घायल। नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर तालेबा राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के सदस्य महेंद्र राय यादवक संकेत। देशक पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल लगानी कर नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेंद्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान। आवश्यक कानून निर्माण कर लाग पड़ल प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महराक प्रतिबद्धता। पाकिस्तान में सानू नगते चुनाव हैत। 4,60,00,000 गोटे युवा मतदाताक रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करत। आ IPL क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अब समाचार विस्तार से। बसक ठोकर से तनहू में तीन गोटे युवाक मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू देने जानकारी अनुसार मोटरसाइकिल में सवार 4 गोटे में से 2 गोटे के शनि के राइते में घटनास्थल में आ 1 गोटे के उपचार क्रम में आई भोर मृत्यु भेल। दुर्घटना में पर घायल भेल 1 गोटे के उपचार जारी रहल। दुर्घटना में पर मृत्यु होबय वाला में परसा जिला शेरवा गांव पालिका 3 रहनिहार 20 वर्षीय राज राय, वही जगह के निवासी 21 वर्षीय धीरज चौधरी रहल छथि। गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में उपचार क्रम में आई भोर मृत्यु होबय वाला में 22 वर्षीय संजय चौधरी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब निरीक्षक सुनील मल्ल जानकारी देने छथि। पोखरा से काकरभिटा तरफ जा रहल NA 5-6-30-82 नंबर के बस विपरीत दिशा तरफ जा रहल NA 55-15-94 नंबर के मोटरसाइकिल के पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत ब्यास नगर पालिका 12 स्थित कमलाबाड़ी में ठोकर देने छल। मोटरसाइकिल में सवार 21 वर्षीय भोला चौधरी के गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में उपचार भ रहल। मृतक 2 गोटे के शव दमौली अस्पताल में आ 1 गोटे के गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में परीक्षण के लिए राखल गेल। पुलिस जनौने अछि उक्त बस आ ओकर चालक के पुलिस नियंत्रण में लक थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी नायब निरीक्षक मल्ल बतौने छथि। बीमार लक चलल एम्बुलेंस दुर्घटना होबय से बीमार सहित 4 गोटे घायल भेल। दारचूला से बीमार लक धनकड़ी तरफ जा रहल MA 1-6-103 नंबर के एम्बुलेंस आई भोर 3 बजे दिस महाकाली राजमार्ग अंतर्गत सुरनया गांव पालिका धर्म घर नजदीक दुर्घटनाग्रस्त भेल। एम्बुलेंस सड़क से करीब 1 किलोमीटर नीचा झाड़ी में खसल। जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के प्रहरी नायब प्रेक्षक नेत्रमणि गिरी बतौने छथि। एम्बुलेंस दुर्घटना में बीमार रहल दारचूला के ब्यास गांव पालिका 6 बसेड़ी के 55 वर्षीय विष्णु दत्त भट्ट, 40 वर्षीय देव दत्त भट्ट आ 18 वर्षीय गणेश दत्त भट्ट आ एम्बुलेंस चालक दारचूला के माली कार्जुन गांव पालिका 8 के 24 वर्षीय गोविंद धामी घायल भेल। पुलिस जनौने अछि घायल सब के पुलिस उद्धार केने अछि। घायल सब के जिला अस्पताल बैतड़ी में उपचार भ रहल आ हुनकर सब के अवस्था सामान्य रहल बताल गेल अछि। एम्बुलेंस दुर्घटना के कारण नहीं खुल सकल पुलिस जनौने अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार के देने समर्थन फिरता लेब के संकेत कलक। पार्टी नेता महेंद्र राय यादव संविधान संशोधन करब लगातक अपन सबके मांग संबोधन नहीं कला पर सरकार के समर्थन करत नहीं रहब बतौने छल। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो देश के आगा बढ़ाव प्रतिपक्ष के सेहो साथ में लक आगा बढ़ सरकार के सुझाव दिलन। नेता यादव विकास निर्माण काज के आगा बढ़ाव सेहो सरकार सबके मिलाकर आगा बढ़वाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केने छला। भएको समस्याहरूलाई यहाँ एउटा प्रवृत्ति र रोग छ जो सरकारमा मिले राम्रो काम गरे सबै खराब काम गर्ने अरू दलहरू छ। मलाई लाग्छ कि सबैको सहभागिता चाहिन्छ, सबै मिलेर मुलुकलाई बनाउने हो। त्यस कारणले सबैलाई मुलुकलाई बनाउनको लागि सबै मुद्दाहरूलाई सबै समस्याहरूलाई प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर मुलुकलाई अगाडि बढाउँ। यो अहिले मलाई लाग्छ कि नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता देशको एकता अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सरकार सफल रह्यो 100 दिनमा कहाँ सफल रह्यो? अहिले त हामी त्यहाँ पुगिरहेको छौँ सरकारले हाम्रो काम के गर्छ गर्दैन। हामीले पुनर्विचार गर्ने बेला भइसक्यो। सरकारले दिएको समर्थन पुनर्विचार होइन, पुनर्विचार गर्ने बेलाको हाम्रो कामै गर्दैन भने कति दिनमा समर्थन राखिराख्यो? यो प्रश्न त उठ्छ नि। हाम्रो पनि सीमा छ नि, 3 महिना बित्यो 3 महिना हुनसक्छ। तर सरकारले केही काम त गर्नु पऱ्यो। सरकारले उल्टै हामीतिर अहिले काम गरिरहेको छ। अहिले मुद्दाहरू जेल संसद जेलमा छ। अहिले मान्छेलाई वारेन्ट खाल गरिएको छ। मान्छेहरू समात्ने धमाधम काम भइरहेको छ। मान्छेहरू फरार हुने काम भइरहेको छ। अनि हामीलाई पनि भन्छ सरकारले समर्थन दिए के गरेछ के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्रश्नहरूलाई हामी चाहन्छौँ अहिले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो सरकारले
हामीले दिएको समर्थनलाई हामीले दिएको विश्वासलाई यो सरकारले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, यसलाई समाधान गर्न खोज्छ कि खोज्दैन, गर्न सकेन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सरकारको हुन्छ, हामीले समर्थन लिने परिस्थितिको निर्वाह भने यसको दोषी सरकार हुन्छ। हामी चाहन्छौँ यो समस्यालाई हल गरौँ, हामी यो सरकारलाई पूर्ण रूपमा यो विकासको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ? होइन होइन, यो कामै गरेन भने सरकारले किन चाहियो? हामीले त संविधान संशोधन लगायत यी मुद्दाहरूको आधारमा एउटा विश्वासको बिना लेखा पढेको दिएका छौँ। नेता यादव सरकार विकासक सपना देखेलो पर ओके काज कक देखावन नै सेक रहल कहत असन्तुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि देशक पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल लगानीकरण निजी क्षेत्रके आह्वान कयलनि अछि। पूर्व उप प्रधानमन्त्री सेहो रहनिहार निधि निजी क्षेत्रके लगानी आ सहभागितासँ मात्र पर्यटन क्षेत्र देशक आर्थिक विकासमे सहयोग कर सकत सम्भावना रहल बताने छलथि। काल्हि काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे सरकार पर्यटन क्षेत्रके विकास लेल सहजीकरण करबाक कहैत एकर विकासमे निजी क्षेत्रक सहभागिता अनिवार्य रहल दावी केने छलथि। व्यवसाय फस्टाउने र यसको विस्तार हुने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता। सरकारले र राज्यले नीति निर्माण मात्रै गर्दछ, सहजकर्ताको भूमिका मात्रै गर्दछ। सरकार र राज्यले नीति निर्माण गर्ने र तदनुरूप नै त्यसैसँग सम्बन्धित भएको हुनाले दलहरूले पनि आफ्नो भूमिका त्यसै अनुसार बनाउँछ। तर यसको सम्पूर्ण सफलताको श्रेय र सफलताको लागि पूर्व शर्त भनेको निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिता नै हो। त्यस कारणले पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जो बोल्नुभएको छ त्यसको अधिकांश कुराहरूको बारेमा म आफ्नो तर्फबाट पनि र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि समर्थन गर्दछु। कहिले काहीँ उहाँहरू सत्ताको सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कहिले हामी गर्छौँ, त्यो छुट्टै पाटो हो। तपाईँहरूसँग पर्यटन व्यवसायीहरूसँग जुन यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आफैले आफ्नो क्षेत्रको विस्तार गर्ने विषयहरूलाई पहिचान गरेर लगानी गर्ने काममा अझै उद्यत हुनुभयो भनेदेखि त्यो नेपालको लागि धेरै ठुलो, नेपालको टोटल इकोनोमीको लागि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल कांग्रेस सहक जतेक सहयोग करत प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ हिमाल पहाड़ आ तराईमे रहनिहार सब नेपाली सबके ओहिठामक भूगोल विषयमे पहचान करबाक जेहन पर्यटन क्षेत्रके विकास कयल जाइमे जोर देने छलथि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पर्यटन क्षेत्रक समृद्धि लेल आवश्यक कानून निर्माण करय लागि पड़ल प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। सभामुख महरा पर्यटन क्षेत्रके विकास लेल सरकार सेहो आवश्यक ठोस दृष्टिकोण आगाँ बढ़ायत विश्वास व्यक्त कयलनि। पर्यटन क्षेत्र देशके आर्थिक समृद्धि मुख्य आधार रहल कहैत एकर विकासक लेल आवश्यक दृष्टिकोण बनाबय सरकारके आवश्यक सुझाव देब सेहो पर्यटन व्यवसायी सबके आग्रह कयने छथि। काल्हि गन्तव्य नेपालके वार्षिकोत्सव कार्यक्रमके सम्बोधन करैत पर्यटन क्षेत्रके विश्वभरिमे नेपालक पहचान कायम कर महत्वपूर्ण योगदान देने स्मरण करौलनि। नमस्कार। व्यवसाय नेपालको वास्तवमा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। पर्यटन नेपालको एउटा आर्थिक समृद्धिको आधार मात्रै होइन, धेरैले भनेका छन् कि नेपालको पर्यटनको एउटा मुख्य आधार के अरे नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार, आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन नै हो। त्यो त छँदैछ, त्यसको साथसाथै नेपालको भौगोलिक, नेपालको ऐतिहासिक, नेपालको संस्कृति र नेपालको जनजीवन र नेपालको सभ्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन पनि पर्यटन व्यवसाय निकै महत्त्वपूर्ण छ। हो, हामी प्रचुर मात्रामा प्रचुरताको धनी छौँ, स्रोत साधनका दृष्टिकोणले हामी अभावमा छैनौँ। तर हामीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ, नीति चाहिएको छ। हामी विश्वास गरौँ नेपालमा अब एउटा स्थायी सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसले समृद्धिका खाकाहरू खोल्दैछ।
र आगामी दिनमा अरु सबै क्षेत्रमा र विशेष गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा नेपाललाई माथि उल्लेख गरेको जै समृद्ध पार्नका लागि पर्यटन व्यवसायलाई अरु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नलाई सरकारले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ने छ दृष्टिकोण अगाडि ल्याउने छ यो विश्वास पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मेरो तर्फबाट पर्यटन व्यवसायलाई अझ समृद्ध पार्नको निमित्त के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो खेल्न म तयार छु आजको सर्वसम्मतिबाट हामीले एकजना यस पनि हुनुहुन्छ र उहाँको श्रीमान पनि त्यतिकै तदनुका साथ यसमा हामी 11 जना सदस्यहरू सभामा कोला नेपालक भूगोल संस्कृति आ जनजीवनक विषयमा विश्व समुदायके जानकारी देवासे हो नेपाल पर्यटन क्षेत्र उपयोगी रहल स्पष्ट केने छलैथ अपन न्यूज में आपके स्तर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद प्रदेश के समृद्ध बनावा दलित समृद्ध आवश्यक रहल मुख्यमंत्री लाल बाबू राव तक कथन नेपाल में रेल विस्तार कार्य के भारत सरकार विशेष महत्व देने भारतक राजदूत मनजीव सिंह पुरी कथन आ सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरण लेल सेना के ने गतिविधि आ प्रयासक विषय में जानकारी कराबा लक्ष्य सा फोटो प्रदर्शनी का आयोजन विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है अब बाकी समाचार मुख्यमंत्री लाल बाबू राव प्रदेश के समृद्ध बनावा दलित समृद्धि आवश्यक रहल बताने छथि दलित सरोकार मंच सप्तरी का आयोजन में लहान में भेल 2 दिवसीय प्रादेशिक दलित सभाक समापन समारोह के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत सब जात जाति समृद्धि नहीं होब धैर प्रदेश आ देश समृद्ध नहीं होब सकत बतौलन युक्त मरिक अध्यक्षता में भेल समापन समारोह में मुख्यमंत्री राउत 2 दिवसीय जमघट जारी केने घोषणा पत्र दलितक वास्तविक अवस्था के उजागर केने कहत दलित के अधिकार संपन्न बनावा प्रदेश सरकार खेला वाला हरेक भूमिका लेल अपने सब तैयार रहल बतौने छलथि कार्यक्रम में विशेष अतिथि राष्ट्रीय सभाक सदस्य रामप्रीत पासवान कम्युनिस्ट सब रति रहल वर्गीय मुक्ति नेपालीय धरातल विभेद समाप्त हैत बतबैत अय के लेल जातीय मुक्ति सबसे उत्तम विकल्प रहल कहलन समापन समारोह में प्रदेश सभाक सदस्य सुनीता राम दलित समुदाय से प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न नगर पालिका तथा गांव पालिका के निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुख संगहि प्रदेश भर के दलित अगुआ सब उपस्थित छलथि सभा जारी केने घोषणा पत्र आयोजक संस्थाक कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान वाचन केने छलथि तहिना ई घोषणा पत्र मुख्यमंत्री राउत के सेहो बुझाओल गेल अछि आधार क्षेत्र भेलो पर धनुषा में 4 प्रतिनिधि सभा 8 प्रदेश सभा सँ 1 प्रदेश सभा में मात्र चुनाव जीत सकल नेपाली कांग्रेसक भ्रातृ संगठन सब जिला में सक्रिय भेल अछि कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल जनकपुर धाम महानगरपालिका नगर कार्य समिति नगर स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न केने अछि नेपाल तरुण दल जनकपुर धाम महानगरपालिका नगर कार्य समिति के अध्यक्ष पंकज महतो के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पार्टी नगर सभापति मनोज शाह तरुण दलक जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सहित संबोधन केने छलथि पहले तो एगो सचिव तनि मनि में धक्का के मानो जाए चले बिना 500,000 का ले वो सिफारिश लिखेला वार्ड कार्यालय समेत तैयारी नहीं भर रहा है यह अपन देश यह अपन मदेश इस सारा चीज के हम सब लेट सके हम सब बहुत हद तक लेट तो छे जानकी मंदिर के टारगेट तक विमलेंद्र जी दी थी भौतिक तथा योजना मंत्री रहे जैसे कतो जनकपुर में रोड नहीं रहे तो जानकी मंदिर से रामानंद चौक जानकी मंदिर से एयरपोर्ट जानकी मंदिर से थापा चौक जानकी मंदिर से सीता चौक जलेश्वर मंदिर हो के सीता चौक तक बुझे कल गए पत्रकार बंधु सब जनकपुर में लिखने से हम कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कह चाहे थे कि अठाम से एडीबी आयोजना लागू भ चुकल है और बाउल में पानी हेरा रहा यदि रोड अखन बन जेते तो झूठे के मेले एडीबी तो बने कर हमू जे आई ठार भेल छी जे यह तरुण दल के हिसाब से ठार भेल 2057 साल में हमू नगर कोषाध्यक्ष तरुण दल के और युवा में से हो हम सब जागरण रहे तो तरुण दल के अवस्था है कि ई कह जे हम सब के कोन नेपाली कांग्रेस पीर सब छे तरुण दल एक टा ओ शख्स छे जे शख्स के लकर नेपाली कांग्रेस ठार के ठार हुई जब तक युवा सब में वो जागरण नहीं है तो तरुण सब में तब तक नेपाली कांग्रेस अपने सब कुछ कर नहीं सके
वक्ता सब पार्टी के पराजय हेबाक कारण पता लगा कर ओ के समाधान में सक्रिय होब बतौने संगठन मजबूत बनेबाक लेल सब तहक नेता कार्यकर्ता सब के ईमानदारितापूर्वक लागे में ओ सब जोर देने तहिना कांग्रेस के भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल विदेह नगरपालिका आ औरही गांवपालिकाक पहल में सेहो एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। नेपाल तरुण दलक जिला सदस्य प्रमोद कुमार छिट्टान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं मंत्री रामकृष्ण यादव एवं विभिन्न वक्ता सब संबोधन केने छलथि। नेपालक लेल भारतक राजदूत मंजीव सिंह पुरी रेलवे बड़का संजाल रहल भारत संग नेपाल में जोड़ सकला पर दुनू देश के लाभ हेत बतौने राजविराज में काल्हि जेपी लोहिया रामेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट तिलाठी कोराली सप्तरी हनुमान नगर जेल ब्रेक कांडक 75वां स्मृति दिवसक अवसर में आयोजना कयल गेल नेपाल प्रजातांत्रिक संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायणक योगदान विषयक विचार गोष्ठी में प्रमुख अतिथि के आसन से ओ ई विचार व्यक्त कयलनि अछि। नेपालक विकास के लेल भारत सरकार सब दिन सकारात्मक रहल आ ई क्रम चलत रहत ओ बतौलनि। नेपाल में रेल विस्तार कार्य के भारत सरकार विशेष महत्व देने हुनकर कहब छलनि। भारतक स्वतंत्रता संग्राम नेपाल प्रजातांत्रिक आंदोलन आ हनुमान नगर जेल ब्रेक घटना के स्वर्णिम घटनाक संज्ञा दैत ओ ई सब घटना नेपाल आ भारत ऊपर के तह में मात्र नै भक जन स्तर से सेहो आपसी संबंध और प्रगाढ़ बनौने बतौलनि। हमारा बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिस तरह वीरगंज में 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ वो भी बहुत शीघ्रता से चल रहा। साथ ही साथ ये रेलवे लाइन इसके साथ आपके एरिया में मैं मानता हूं वो विकास वो तरक्की का दौर शुरू होगा जो आपकी आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ओ नेपाल आ भारत बीच सदियों से मित्रवत संबंध रहत आयल चर्चा करते ओ नेपाल सब क्षेत्र के विकास के लेल भारत सरकार आब वाला दिन में सेहो सकारात्मक भूमिका खेलत प्रतिबद्धता जनौने छलथि। अपन न्यूज में पुनः सकिस तर व्यावसायिक विश्रामक बाद पाकिस्तान में सानो 9 गते चुनाव हैत 4,60,00,000 गोटे युवा मतदाताक रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करता आ आईपीएल क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हैत। मिश्रमक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। छापा की समाचार सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरण लेल सेना के ने गतिविधि आ प्रयासक विषय में जानकारी करेबाक लक्ष्य से फोटो प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल अछि। मध्य पूर्वी प्रीतना हेडक्वार्टर संयोजकत्व श्री नंबर 27 वाहिनी अड़का समन्वय आ भीम दल गण राजविराजक आयोजना में काल स्थानीय रंगशाला में फोटो प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल। प्रदर्शनी में अधिराज्यक विभिन्न स्थान में विभिन्न समय में विपत्त के समय सेना के ने राहत आ उद्धार कार्य जन श्रमदान निःशुल्क इलाज संग सेनाक गौरव में इतिहास झलक वाला फोटो सब राखल गेल छल। तहिना विपत्त समय कयल जाय वाला तैयारी आ विपत्त व्यवस्थापन लेल चेतना अभिवृद्धि कर जेहन फोटो सब सेहो प्रदर्शनी में राखल गेल छल। काल्हि सेना प्रदेश नंबर 2 के विविध संस्कृति झलक वाला नृत्य आ झांकी प्रदर्शनी आ प्रदर्शनी स्थल में सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजना सेहो केने छल। सेना आ नागरिक बीच संबंध मजबूत बनेबा आ सेना जनहित में केने काम विषय में सर्वसाधारण में जानकारी करेबाक लक्ष्य से उक्त कार्यक्रमक आयोजना कयल गेल। भीम दल गणक प्रमुख सेनानी सुरेंद्र देव बोगटी बतौने छथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पाकिस्तान में आबयवला 9 गते आम चुनाव होबय जा रहल अछि। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममून हुसैन जुलाई 25 अर्थात आबयवला 9 गते आम चुनाव कर सहमति जनौने छथि। ई चुनाव में 4,60,00,000 गोटे युवा मतदाताक रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करता अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौने अछि। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेतृत्व में रहल सरकार के कार्यकाल आबयवला बुध दिन समाप्त भ रहल अछि। कार्यवाहक सरकार आम चुनाव करत। 2013 में भेल आम चुनाव में नवाज शरीफ के पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्पष्ट बहुमत अन्य छल। आब वाला चुनाव में क्रिकेटर से नेता बनल इमरान खान के पाकिस्तान
तहरीक ए इंसाफ पार्टी नवाज शरीफ के पार्टी के चुनौती दैत देखा रहल अछि। आप खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के उपाधि के लेल आई रात सनराइजर्स हैदराबाद आ चेन्नई सुपर किंग्स बीच प्रतिस्पर्धा होबय जा रहल अछि। मुंबई के वानखेड़े रंगशाला में होबय वाला खेल एकदम रोमांचक होबय के अपेक्षा सेहो कयल गेल अछि। हैदराबाद के हराबत चेन्नई इस पहले है फाइनल में प्रवेश केने अछि, त शुक्र के रात भेल दोसर क्वालिफायर में कलकत्ता नाइट राइडर्स के 13 रन से हराबत हैदराबाद फाइनल में प्रवेश केने अछि। रशीद खान के उत्कृष्ट प्रदर्शन में सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश कलक अछि। ऐसा पहले पहल क्वालिफायर में से हैदराबाद और चेन्नई बीच खेल भेल छल। खेल में चेन्नई विजय होइत फाइनल पुर में पहुंचलाक बाद हैदराबाद दोसर क्वालिफायर में धकलायल छल। समूह चरण में खेलने दुनू खेल में से चेन्नई हैदराबाद के हरौने छल। शुक्र दिन हैदराबाद देने 175 रन के लक्ष्य पाछू करैत कलकत्ता 20 ओवर में 9 विकेट गुमा कर 161 रन मात्र बनाब सकल छल। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। तनहू में बस आ मोटरसाइकिल ठोकर से 3 गोटे के मृत्यु, बीमार लक चलल एम्बुलेंस दुर्घटना में पैर बीमार सहित 4 गोटे घायल। नेपाल सरकार के देने समर्थन फिरता लेबर राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक सदस्य महेंद्र राय यादवक संकेत। देश पर्यटन क्षेत्र के विकास लेल लगानी कर नेपाली कांग्रेसक उपसभापति बिमलेन्द्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान, आवश्यक कानून निर्माण कर लायक पड़ल प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महराक प्रतिबद्धता। पाकिस्तान में साउंड नगते चुनाव हैत, 4,60,00,000 गोटे युवा मतदाता के रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करता। आ आईपीएल क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद और चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हैत। विस्थापन न्यूज एहिठाम सम्पन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।